हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर बायोलॉजी क्लास डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर चैप्टर थर्टीन व्हाई डू वी फॉल इल हम बीमार क्यों हो जाते हैं तो लेट अस स्टडी विद द हेल्प ऑफ आवर एनसीईआरटी बुक व्हाट इज़ द This topic is to be explained here about our illness, health, and diseases. So we start this topic with one interesting activity. The first activity of this chapter. We have all heard of the earthquakes in Latur, Bhuj, Kashmir. और द साइक्लोन्स दैट लैस्ट द कोस्टल रीजन्स आपने सुना होगा कि हमारे इंडिया में बहुत सारे भूकंप्स आते हैं और साइक्लोन्स भी आते हैं जो कि कोस्टल रीजन्स में ज़्यादा आते हैं समुद्र के किनारों की तरफ तेज़ हवाएं चलती हैं थिंक ऑफ एज मैनी डिफरेंट वेज एज पॉसिबल इन विच पीपल्स हेल्थ वुड बी अफेक्टेड बाय सच अ डिजास्टर जिनकी वजह से हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट पड़ता है और इफ़ दिस डिज़ास्टर टुक प्लेस इन अवर नेबरहुड कंट्रीज़ अगर हमारे आसपास के देशों में या हमारे आसपास के एरियाज़ में भी ये डिज़ास्टर्स होते हैं तो उनका भी हेल्थ पर बहुत फ़र्क पड़ता है हाउ मेनी ऑफ दीज वेज वी कैन थिंक ऑफ आर इवेंट्स दैट वुड अक्योर वैन द डिज़ास्टर्स इज़ एक्चुअली हैपनिंग कौन सी वो घटनाएं होंगी जबकि इस तरह के डिज़ास्टर्स आएंगे तो उनसे होने वाली उन घटनाओं का क्या इफेक्ट होगा हाउ मैनी ऑफ दीज हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स वुड हैपन लॉन्ग आफ्टर द एक्चुअल डिज़ास्टर बट वुड स्टिल बी बिकॉज ऑफ द डिज़ास्टर सेहत के लिए हमारे सेहत के से रिलेटेड बहुत सारी बातें इसमें होंगी और उसका कितने लंबे समय तक इफ़ेक्ट रहेगा ये भी एक सोचने वाली बात है वाई वुड वन इफेक्ट ऑन हेल्थ फॉल इन टू द फर्स्ट ग्रुप एंड वाई वुड अदर फॉल इन टू द सेकेंड ग्रुप अगर हम इस तरह की घटनाओं को अगर दो कैटेगरीज में दो ग्रुप्स में बांट दिया जाए तो हम देखेंगे कि पहला तो हेल्थ फॉल से रिलेटेड इफेक्ट होगा पहले ग्रुप में और दूसरे ग्रुप के अंदर भी जो इफेक्ट uh, होगा वो उस लोगों की हेल्थ से रिलेटेड होगा यानी हम इन दो घटनाओं घटनाओं को देख करके लोगों को दो कैटेगरीज में डाल सकते हैं वैन वी डू दिस एक्सरसाइज वी रियलाइज़ दैट हेल्थ एंड डिसीज़ इन ह्यूमन कम्युनिटीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स इशू हमारे मानव समाज में ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स इशू है हेल्थ और डिसीज़ का

हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं कैसे उससे बच सकते हैं वी हैव टू बिगिन बाय आस्किंग व्हाट डीज नोशन मींस तो हमें शुरुआत में ये चीज़ समझानी होगी कि एक्चुअली इनका मतलब क्या है हेल्थ का क्या मतलब है और डिजीज़ का क्या मतलब है बिफोर दैट वी सी द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स का बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेल्स होता है दे आर मेडअप ऑफ वेराइटी केमिकल्स जो हम पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं प्रोटीन लिपिट्स फैट्स कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा वेन वी सी द पिक्चर ऑफ द सेल इट लुक स्टिल पिक्चर जब हम कभी सेल की स्ट्रक्चर देखते हैं या सेल को ऑब्जर्व करते हैं तो एक एक स्टिल पिक्चर की तरह दिखता है बट एक्चुअली इट इज अ डायनेमिक प्लेस बिकॉज देर इज ऑलवेज हैपनिंग इन साइड दैम वहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस और कोई ना कोई सिंथेसाइजिंग वर्क चलता रहता है व्हेन वी सी द सेल्स आर नॉट मूविंग दैट टाइम द रिपेयर गोज ऑन इन द सेल्स तब उनमें रिपेयर वर्क भी चलता रहता है न्यू सेल्स आर बीइंग मेड सेल डिवीजन होता रहता है सेल ग्रो करती रहती है ऑर्गन्स एंड टिश्यूज आर ग्रोइंग वो भी बनते रहते हैं द हार्ट इज़ बीटिंग दिल धड़कता है लंग्स आर ब्रीथिंग लंग्स जो है ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं द किडनी इज़ फिल्टरिंग यूरिन यूरिन का फॉर्मेशन होता है और फिल्टर्ड होता है वो ब्लड से अलग होता है द ब्रेन इज़ थिंकिंग हमारा दिमाग सोचने में हमारी मदद करता है ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर इंटरकनेक्टेड ये सब आपस में जुड़ी हुई है फॉर uh, एग्जाम्पल अब थोड़ा सोचें कि इफ़ द किडनीज़ आर नॉट फिल्टरिंग यूरन अगर किडनी ने यूरिन को फिल्टर ना किया होता तो बहुत सारा पॉइजनस सब्सटेंस विल एक्यूमलेट इन अवर बॉडी हमारे शरीर में बहुत सारा पॉइजनस uh, सब्सटेंस यूरिया वगैरह बढ़ जाता अंडर सच कंडीशन द ब्रेन विल नॉट एबल बी एबल टू थिंक प्रॉपरली और उसका इफेक्ट हमारे दिमाग पे जाता कि उसकी थिंकिंग या उसकी जो सोचने की क्षमता है उस पर फ़र्क पड़ता

अच्छे से वर्किंग करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है एनीथिंग दैट प्रिवेंट प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़ विल लीड टू ए लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी और आप देख सकते हैं कि लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी यानी सेल्स और टिश्यूज़ जो हैं अगर उनको प्रॉपर फंक्शनिंग करना है तो उन्हें वो टाइम टू टाइम उनको फूड की सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट वी विल लुक एट द नोशन ऑफ हेल्थ एंड डिजीज तो अब हम इन बिंदुओं पर विचार करते हैं कि हेल्थ और डिजीज क्या होते हैंट्स फेलियर द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ वी हैव हर्ड द वर्ड हेल्थ यूज क्वाइट फ्रिक्वेंटली अक्सर ये जो वर्ड हैल्थ ये फ्रीकुंटली यूज में आता है वी यूज इट

स्कॉल्ड करते हैं कहते हैं कि तुम्हारा ये एटीट्यूड हेल्दी एटीट्यूड नहीं है मीन्स यू आर नॉट पेइंग अटेंशन वर्ड्स द स्टडी और समथिंग दैट टाइम टीचर्स आर यूजिंग दिस वर्ड ऑल्सो वॉट डज द वर्ड हेल्थ मीन तो फिर यहाँ हेल्थ का क्या मतलब है इफ वी थिंक अबाउट इट वी रियलाइज दैट इट ऑलवेज एम्प्लाईज द आइडिया ऑफ वेल तो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग यहाँ पे निकल के आ रहा है हेल्थ जो है वो एक आइडिया हमारे को देती है बींग वेल यानी सब ठीक है वी कैन थिंक ऑफ दिस वेल बींग एज इफेक्टिव फंक्शनिंग फॉर आवर ग्रैंड मदर्स अब अपने एग्जाम्पल में ग्रैंड मदर को ही ले सकते हैं इफ़ शी बींग एबल टू गो आउट टू द मार्केट और टू विजिट नेबर्स इज़ बींग वेल अगर वो बाज़ार जा सकती हैं पड़ोस में अ, मिलने के लिए जा सकती हैं तो हम कहते हैं कि शी इज़ बींग वेल वो अच्छी हैं ठीक है एंड नॉट बींग एबल टू डू सच थिंग्स अगर वो बाजार नहीं जा सकती हैं अपने पड़ोसियों से मिलने नहीं जा सकती तो वी आर कंसिडर एज कि शी हैज़ पुअर हेल्थ बींग इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग द टीचिंग इन द क्लास रूम अब एक और एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि जब आपके क्लास रूम में टीचिंग चल रहा है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ड इज कॉल्ड हेल्दी एटीट्यूड तब ये कहा जाता है कि ये एक हेल्दी एटीट्यूड है आपका एक अच्छा स्वास्थ्यिक व्यवहार है वाइल नॉट बींग इंटरेस्टेड इज कॉल्ड द ऑपोजिट और अगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जो क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है तो इसका ऑपोजिट हो जाता है अनहेल्दी एटीट्यूड बोला जाता है तो हेल्थ इज देयर फोर कैन बी डिफाइन एज हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं इट इज अ स्टेट ऑफ बींग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली मेंटली एंड सोशली आइए हम इसको समझते हैं नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग हेल्दी बॉडी विद अ हेल्दी माइंड एंड हेल्थी एटीट्यूड इज रेफर्ड एज गुड हेल्थ in this paragraph you can see the first line is showing about the definition of health when the person is physically mentally and socially fit that is called health but sometimes if the question arises what is the meaning of good health then we can say the healthy body with a healthy mind and healthy attitude is referred as good health so what is the मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस मीन्स नो फिज़िकल इलनेस इन द पर्सन सेकेंड इज मेंटल फिटनेस इट मीन्स पीस ऑफ माइंड अगर किसी इंसान का दिमाग शांत है तो उसे हम हेल्दी मेंटल फिटनेस कह सकते हैं एंड सोशल फिटनेस का मतलब है वी आर कनेक्टेड विद अवर अदर पीपल्स वी आर कनेक्टेड विद अवर फैमिली मेम्बर्स विद आवर नेबर्स एंड अवर सराउंडिंग पीपल्स जब हम सोसाइटी में लोगों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो काउंटर एज हेल्दी एटीट्यूड सो दीज ऑल फिजिकल फिटनेस मेंटल फिटनेस एंड सोशल फिटनेस कीप्स अ हेल्थ गुड नाउ लुक एट दिस फ्लू चार्ट देर यू कैन सी देल्थ

और लाइट एक्सरसाइज हमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह भी करना चाहिए उससे हमारी फिटनेस बनी रहती है द थर्ड वन इज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स इट इट शोज दैट हाउ वी आर रिलेटेड विद आवर सराउंडिंग हम अपने सराउंडिंग में अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स से कैसे रिलेटेड हैं ये हमारी सोशली सोशल मीन से रिलेटेड है सोशल फिटनेस से रिलेटेड है और इसके बाद है स्लीप वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर हेल्थ ये भी एक हेल्थ का बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें एक अच्छी साउंड स्लीप लेना चाहिए एक लंबी नींद हमें मिलनी चाहिए जिससे हमारा पूरा बॉडी रिवाइव हो जाता है और एक ब्रेन को भी रेस्ट मिलता है स्ट्रेस मैनेजमेंट दैट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ये हमारे को मेंटली फिट रखने के लिए ज़रूरी है तो ऑल यू हैव सीन दैट फूड एंड डाइट आर रिक्वायर्ड for our physical fitness exercise is also required for our physical fitness or family and friends they are uh, giving us the socially fitness means and sleep is the giving us rest and stress management for our uh, mental fitness so let us see the actual definition of the health now see the पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर्स फॉर हेल्थ इफ हेल्थ मीन्स स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग इट कांट बी समथिंग दैट ईच वन ऑफ अस कैन अचीव एंटायरली ऑन आर ऑन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से हम अपने आप में फिट हैं द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विल डिपेंड्स ऑन देयर सराउंडिंग और देयर एनवायरमेंट ऑल्सो वाट इज़ द मीन्स द इन्वायरमेंट इनकलूड्स द फिज़िकल इन्वायरमेंट हमारे आस पास का जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स yeah. की हेल्थ के अंदर सो फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ इज़ एट रिस्क इन अ साइक्लॉन इन मैनी वेज जो हमने एक्टिविटी वन में पढ़ा था कि अगर किसी एरिया में साइक्लॉन ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पर हेल्थ रिस्क पर होती है ह्यूमन बींग्स लिव इन सोसाइटीज़ आप जानते हैं ह्यूमन बींग एक सोशल एनिमल है और अगर सोशल इन्वायरमेंट देयर फोर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो एक सोशल इन्वायरमेंट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इंडिविजुअल हेल्थ के लिए होता है तो हम यहाँ पर दो तरह की हेल्थ पढ़ते हैं अगर पर्सन की इंडिविजुअल उसके बारे में बात कर रहे हैं तो उसे इंडिविजुअल हेल्थ कहा जाएगा और अगर किसी ग्रुप या सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो उसे सोशल हेल्थ कहा जाता है we live इन villages टाउन और सिटीज इन सच places इवन our फ़िज़िकल environment is डिसाइडेड by आवर सोशल environment तो यहाँ पर हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात लर्न कर रहे हैं कि सोशल इन्वायरमेंट का भी हमारी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है कंसिडर वाट वुड हैपन इफ नो एजेंसी इज़ इन्श्योरिंग दैट गारबेज इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज आप इमेजिन करिए कि आपकी गलियों से अगर कचरा ना उठाया जाए और उसका कोई प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम ना हो वॉट वुड हैपन इफ नो वन टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लियरिंग द ड्रेन्स नालियों की सफाई ना आ जाए इंश्योरिंग दैट वाटर डज नॉट कलेक्ट इन द स्ट्रीट्स और ओपन स्पेस स्पेसिस तो अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर हेल्थ पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इफ देर इज अ ग्रेट डील ऑफ गारबेज थ्रोन इन आवर स्ट्रीट्स और इफ़ देर इज़ ओपन ड्रेनेज वाटर लाइंग स्टेगनेंट एराउंड वेयर वी लिव अगर जिस जगह पर हम रहते हैं वहाँ पर बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाए और बहुत सारा पानी नालियों का पानी भी वहाँ पर रुका हुआ हो तो देर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ पुअर हेल्थ इनक्रीजेस वहाँ पर हेल्थ जो है वो पुअर कंडीशन में होगा जैसा स्लम एरियाज़ वगैरह में होता है देर फॉर पब्लिक क्लीनलीनेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ तो हमारी इंडिविजुअल हेल्थ पर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पब्लिक क्लीनलीनेस नाउ वी सी द देर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस विच इज इंक्लूडेड लास्ट ईयर इन अवर सिलेबस दैट इज फाइव एप्स वॉट इज द मीन ऑफ फाइव एप्स लेट्स सी Now look at this five Fs slogan. What is the mean of these five Fs are using here? The first is fluid. Second is fingers. Third is flies. Fourth is fields, and five is floods. These are five Fs. And uh, we can prevent from the transmission of diseases by maintaining. प्रॉपर सैनिटेशन एंड हाइजीन तो यहाँ पर जो एच है वो हाइजीन के लिए यूज़ किया गया है एंड एस इज यूजिंग फॉर सैनिटेशन तो लेटर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड्स यू कैन सी फीकल मैटर इज रिटर्न तो वट इज फीकल मैटर वाट एवर द वेस्ट वी आर रिलीजिंग दैट इज कॉल्ड फीकर मैटर जो भी हम वेस्ट निकालते हैं इफ़ इट एंटर्स इन फ्लूड्स अगर ये फ्लूड्स में एंटर हो जाता है तो हाइजीन को कैसे करेंगे प्रोटेक्ट द वाटर सोर्स हम उस वाटर के सोर्स को प्रोटेक्ट कर लें यानी उसमें उसको जाने ना दें सेकेंड ट्रीट एंड स्टोर द वाटर सेफली और दूसरा तरीका है जो सैनिटाइज सैनिटेशन का है कि हमको क्या करना चाहिए उसे उस पानी को पहले ट्रीट करना चाहिए यानी ट्रीट मीन्स उसका केमिकल ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए और वाटर को सेफ स्टोरिंग करके सप्लाई देना चाहिए फॉर द पीपल्स यूज दैट इज द फर्स्ट वन वी शुड बी सी अबाउट फ्लूड्स सेकेंड इज फिंगर्स ये हमारी इंडिविजुअल हेल्थ से रिलेटेड है वॉश हैंड्स बिफोर प्रिपेयरिंग एंड टेकिंग फूड दिस इज द हाइजीन अगर हम अपना खाना बना रहे हैं तो उससे पहले भी हमें हाथ धोना चाहिए और अगर हम खाना खा रहे हैं तब भी हमें हाथ धो करके खाना चाहिए वॉश हैंड्स आफ्टर डिफिकेशन डिफिकेशन करने के बाद भी हमारा हाथ धुलना चाहिए ये सैनिटेशन से रिलेटेड है थर्ड वन इज़ फ्लाइज यानी मक्खियाँ बिकॉज फ्लाइज आर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट इन फीकल मैटर मक्खियाँ सीधी तरह से फीकल मैटर के कॉन्टेक्ट में होती हैं तो वी शुड कवर द फूड सब्सटेंसेस हमें खाने की चीजों को हमेशा के रखना चाहिए मक्खियों से बचाना चाहिए दैट इज हाइजीन और दूसरा है कंट्रोल फ्लाइज मक्खियों को पनपने से या उनके ग्रो करने से रोकना चाहिए उनको पेस्टिसाइड्स वगैरह से किल कर सकते हैं तो इसको कहते हैं सैनिटेशन इसके बाद आता है फील्ड्स यानी हमारे खेत और मैदान क्लीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर यूज़ हमेशा हमें सब्जियों को और फ्रूट्स को हमेशा धोना चाहिए दैट इज़ रिलेटेड विद अवर हाइजीन एंड एवॉड ओपन डिफिकेशन और खुले में शौच से बचना चाहिए इसके ऊपर हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक प्रोग्राम चलाया है पूरे इंडिया के अंदर उन्होंने टॉयलेट्स बनवाए हैं और ओपन में डेफिकेशन के लिए मना किया हुआ है गवर्नमेंट के रूल्स हैं ये तो प्रॉपर यूज ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम ये हमारे फ्लड से रिलेटेड पार्ट है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ये हाइजीन से रिलेटेड है एंड ट्रीटमेंट ऑफ वाटर और पानी का ट्रीटमेंट होना चाहिए पानी साफ पानी हमें यूज़ में लेना चाहिए वो ट्रीटमेंट होता है बायोलॉजिकल केमिकल और फिजिकल ट्रीटमेंट जो हम अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं तो दैट वॉज अबाउट द फाइव एफ्स द आई रिपीट अगेन फ्लूट्स, फिंगर्स फ्लाइज़, फील्ड्स एंड फ्लड्स विच हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेज मेंटेनिंग प्रॉपर सैनिटेशन एंड हाइजीन अब हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम फूड uh, ले रहे हैं तो इट शुड बी हेल्दी दिस फूड विल हैव टू बी अर्न बाय डूइंग वर्क जब हम कोई वर्क करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि फूड ग्रो किया जाता है क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं तो अपॉर्चुनिटी टू तो डू वर्क हैज़ टू तो बी अवेलेबल वी नीड टू तो बी हैप्पी इन ऑर्डर टू तो बी ट्रूली हेल्दी अगर हमें वास्तव में हेल्दी रहना है तो हमें खुश रहना चाहिए एंड इफ वी मिसट्रीट ईच अदर एंड आर अफ्रेड ऑफ ईच अदर और अगर हम एक दूसरे को मिसट्रीट करते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं या फिर हम आ, किसी से डरते हैं डर हमारे अंदर है तो ये हमारे हेल्दी एटीट्यूड में नहीं आता है वी कांट बी हैप्पी और हेल्थी मोर सोशल इक्वेलिटी एंड हारमोनी आर देयर फॉर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ ये भी एक इंडिविजुअल हेल्थ का फैक्टर है कि हमें सबको एक जैसा समझना चाहिए सोशल इक्वेलिटी होना चाहिए गर्ल्स और बॉयज में डिफ्रेंशिएट uh, नहीं करना चाहिए हारमोनी इन बिटवीन ऑल ऑफ अस हम सब के बीच में एक अच्छे संबंध होने चाहिए therefore necessary for individual health we can think of many other such examples हमारे आस पास भी हम बहुत सारे examples देख सकते हैं which are uh, connection between the community issues and individual health वो हमारे community issue को और individual health को interconnect करते हैं तो इस तरह से हमने देखा अब हम देखने जा रहे हैं what is the distinction between healthy and disease free before that I would like to tell you About what is the meaning of the disease? So, if this is what we mean by health, what do we mean by disease? जैसे हमने हेल्थ के बारे में समझा तो वैसे ही डिसीज के बारे में क्या हो सकता है द वर्ड इज एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ये अपने आप में ही अपना मीनिंग बताता है वी कैन थिंक ऑफ इट्स एज डिसीज डिस्टर्ब ईज इस वर्ड को जब हम ब्रेक करेंगे तो डिस प्लस ईज तो इसका मतलब हुआ कि जब ईजी फील ईज फील नहीं हो जब किसी ईज में या आराम में दखल हो या डिस्टर्बेंस हो तो उसे हम क्या कहते हैं डिसीज लिटरली मीन्स बींग अनकंफर्टेबल हाउ एवर द वर्ड इज यूज इन अ मोर लिमिटेड मीनिंग वी टॉक ऑफ डिसीज वैन वी कैन फाइंड अ स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर कॉज फॉर डिसकम्फर्ट जब हम बात करते हैं किसी डिसीज़ के बारे में या बीमारी के बारे में तो हमें यह पता लगता है कि वास्तव में उसका एक स्पेसिफिक और पर्टिकुलर रीजन है उसका कारण है कोई जो कि उसके डिसकंफर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है दिस डज नॉट मीन दैट वी हैव टू नो द एब्सिल्यूट फाइनल कॉज इसका मतलब ये सीधे सीधे नहीं है कि वही उसका एक फाइनल रीज़न है वी कैन से दैट समवन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी एक पर्सन को डायरिया का प्रॉब्लम है विदाउट नोइंग एग्जैक्टली वॉट हैज़ कॉज द लूज मोशन डायरिया का डायरिया जो एक बीमारी है इसका सिम्टम है लूज मोशन ये उसका सिम्टम है अब हमें उसका कॉज नहीं पता कि वो लूज़ मोशन जो हो रहे हैं उसका कॉज क्या है क्या रीज़न है वी कैन नाउ इजीली सी दैट इट इज पॉसिबल टू बी इन पुअर हेल्थ विदाउट एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिसीज तो यहाँ पर एक बात हमारे को समझ में आ रही है कि पुअर हेल्थ जो हो सकती है विदाउट अ पर्टिकुलर डिसीज मतलब किसी पर्सन में कोई डिसीज नहीं है लेकिन उसकी हेल्थ जो है वो फिट नहींज नॉट फिट सिंपली नॉट बींग डिसीज इज़ नॉट द सेम एज बींग हेल्दी और इसी तरह से नॉट बींग डिसीज किसी को अगर कोई बीमारी नहीं है तो नॉट द सेम एज बींग हेल्दी वो स्वस्थ भी नहीं है गुड हेल्थ फॉर अ डांसर मे मीन बींग एबल टू स्ट्रेच हिज बॉडी अगर एक डांसर का एग्जाम्पल लिया जाए जिसकी गुड हेल्थ का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं तो ही इज एबल टू स्ट्रेच हिज बॉडी वो अपनी बॉडी को स्ट्रैच कर सकता है इन टू डिफिकल्ट बट ग्रेसफुल पोजिशंस जो कि उसकी जो पोजीशन है उसकी स्ट्रेचिंग बॉडी जो है वो हमें देखने में अच्छी लगती है ऑन द अदर हैंड गुड हेल्थ फॉर ए म्यूजिशियन मे बी मीन हैविंग इनफ ब्रीथिंग कैपेसिटी तो जो म्यूजिशियन है उसकी गुड हेल्थ कैसे आइडेंटिफाई होगी कि उसके अंदर एक ब्रीथिंग कैपेसिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा हवा अपने अंदर रोक सकता है या निकाल सकता है ड्यूरिंग द वोकल सिंगिंग एंड ड्यूरिंग द प्लेइंग ऑफ द फ्लूट नोट्स जब वो बाँसुरी वादन करता है तब टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज द यूनिक पोटेंशियल इन ऑल ऑफ अस तो एक बहुत अच्छा अवसर है इस बात को महसूस करने का कि एवरीबडी हैज़ यूनिक पोटेंशियल सब में एक तरह की स्थिरता है हमारे अंदर ऑल ऑफ अस नेसेसरी फॉर रियल हेल्थ जो हमारी वास्तविक हमारा जो हेल्थ है उसके बारे में होती है

में लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फंक्शंस नहीं कर पा रहा है उसमें कमी आ गई है उसकी नॉर्मल स्टेट फंक्शनिंग में तो उसका जो डिस्टरबेंस है उसके उसके फंक्शंस को करने में जो उसको डिस्टरबेंस आ रहा है सच टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड डिसीज़ तो ये डिसीज़ की एक एक्यूरेट डेफिनेशन हो सकती है नाउ सी द डिफ्रेंसेज बिटवीन हेल्दी एंड डिसीज फ्री

सेकेंड पॉइंट है हेल्थी का इट इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल जो कि हमने हेल्थ की डेफिनेशन में पढ़ा था एंड डिसीज फ्री वी मे बी फ्री फ्रॉम डिसीज हम डिसीज से तो फ्री हो सकते हैं बट नॉट हैव कंप्लीट वेल बींग फ्रॉम माइंड एंड सोल हम uh, अंदर से हमारी आत्मा से या हमारे uh, दिमागी रूप से हम कंप्लीटली फिट नहीं हैं तो हम डिसीज फ्री हो सकते हैं तो दीज आर द डिफ्रेंसेस बिटवीन द हेल्थ एंड डिशीज फ्री ना आई आई वॉन्ट टू टेल यू दैट देर आर थ्री क्वेश्चन ऑन पेज नंबर वन सेवनटी एट आर गिवन स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ तो वो दो कंडीशंस कौन सी होंगी जिससे कि असेंशियल है जरूरी है हमारी हेल्थ के लिए तो so, पहला हो सकता है प्रॉपर न्यूट्रीशन और बैलेंस डाइट जिससे कि हम डिसीज़ फ्री रह सकते हैं और दूसरा रीजन हो सकता है दूसरा कंडीशन हो सकता है सोशल इक्वलिटी एंड हारमोनी विच आई एक्सप्लेन यू मैंने आपको गुड हेल्थ के बारे में बताया था उसमें दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हो सकती हैं सेकेंड क्वेश्चन इज देयर स्टेट एनी टू कंडीशन एसेंशियल फॉर बींग फ्री ऑफ डिसीज अब डिसीज फ्री होने के लिए वो दो कंडीशंस कौन सी हो सकती हैं तो अगेन वी कैन से प्रॉपर न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट इज रिक्वायर्ड एंड इन second पॉइंट वी कैन से प्रॉपर हैबिट्स बाय avoiding हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंसेस हम कुछ हैबिट्स को उसको avoid कर सकते हैं उनसे बच सकते हैं कुछ सब्सटेंसेस के हम फॉर्म ना करें जैसे अडॉप्टिंग क्लीन एंड हेल्दी सेक्सुअल लाइफ तो हम अपने आसपास का जो environment है उसको क्लीन रखें तो that इज़ द अनदर पॉइंट थर्ड questions क्वेश्चन इज देयर आर द आंसर्स टू द अबाउ क्वेश्चन नेसेसरीली द सेम और डिफरेंट मीन्स जो दोनों क्वेश्चंस दिए गए हैं ऊपर उन दोनों के आंसर क्या एक जैसे हैं या अलग अलग हैं द आंसर टू द अबाउ क्वेश्चंस आर सेम बिल्कुल सेम आ रहे हैं बिकॉज वी हैव गुड हेल्थ दैन वी मस्ट बी फ्री ऑफ डिसीज अगर हमारी हेल्थ बहुत अच्छी है गुड हेल्थ में है तो हम डिसीज फ्री हो सकते हैं देयर फॉर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ आर ऑल्सो द कंडीशन एसेंशियल फॉर बींग फ्री ऑफ डिजीजेस तो दीज आर द आंसर ऑफ दीज थ्री क्वेश्चन यू कैन डू इन योर नोटबुक्स ऑल्सो अलोंग विद द नोट्स इन अवर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द डिसीज एंड इट्स कॉजेज एंड द टाइप्स ऑफ डिसीजेस थैंक यू